भगत की प्रतिज्ञा रहते भगवान, भगत के सामने नम्र हो जाते हैं, बच्चे के सामने माँ नम्र हो जाए, बच्चे की ताकत है माँ के ऊपर विजय करने की, मैं रोकर विजय कर सब घर वालों पर, बच्चा रो रहा है, सासर ससुर देवर जेठर नंद सब बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, चाहे काम कुछ करता नहीं खोटी करता है, या पक्ष पर सब बच्चे का पक्ष में, यार माँ काम धंधा करती है सब काम अच्छा करती है, मेरे पक्ष में कुछ नहीं, ऐसे आप रो पड़ो तब आपके पक्ष में सब महात्मा और संत भगवान के सासुर कौन है, भगवान भगवान के भगत है, सब बच्चे के पक्ष में हो जाए, रोता है महाराज। नामदेव जी ने कहा महाराज जी दरिद्र है, भगवान ने कहा ये लेते नहीं लेते नहीं तो जंगल में जाते हैं सूखी लकड़ी लाकर बिक्री करके अपना काम करते हैं, नहीं तो क्यों जाते हैं, रोटी नहीं है घर में खाने को आप देव कन्ना लेते नहीं है। नामदेव जी का बड़ा प्रेम था आपस में, प्रकट थे, अलग अलग जाते हैं वो आगे आगे महाराज रंग का चलता पीछे बांका चलती है, तो सात बजे बातचीत हो जाए भगवान के चिंतन भजन करते हुए जाते हैं, भजन बाधा नहीं लग जाए सात साल ही देते, तो अगर नौरों की ढेरी कर दी थी, नाम जी ने देखा कि यार ढेरी पड़ी है वो स्त्री जाती है गणा का लोग होता ही है, मेरे गणा हो जाए इस वजह से वह कहीं मन विचलित हो जाएगा, तो धूल डालने लगे इतने वो आ गई कि क्या कर रहे हो धूल पर धूल डालने के फायदा, नहीं तो तुम बाकी मेरे से रंग से बंक की मेरे को मोर दिखती है तेरे धूल दिखती है बांका। अब आगे गया तो क्या लकड़ियां सब बड़ा करने गई, थोड़ी 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 लकड़ियां छोटी छोटी, अब पहले लगी सूखी लकड़ी मिली नहीं कि मोरों के दर्शन हो गए इस बार लकड़ी नहीं मिली, ये किसी रखी हुई कैसे लाया मैं, ये दर्शन से है ले लेते तो क्या दशा होती हमारी, रोजाना लकड़ी मिलती है लकड़ी मिलती नहीं, सब रख दी बाबा ने तोड़ तोड़ कर भक्त की वश में बताए भगवान, तो भगवान बताए कि धन बता है बराज धन अच्छा चाहिए सत्संग भजन सत्ता, तो भाई ऐसे होता ऐसा ही होगा, अगर आप भगवान मन लगाना चाहते हो तो भीतर से मैं भगवान का हूं और किसी का नहीं हूं, सब सेवा करने के लिए सब जगत का, मेरे पर अधिकार सबका है पर मेरा अधिकार किसी पर नहीं, मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे तो केवल गिरिधर गोपाल है और मेरे पर अधिकार सब, भगत संतों की दुनिया की सबकी सेवा करता है, सेवा कर दे मैं सबका, मेरे लिए किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं, मेरे लिए किसी से कुछ लेना नहीं, हुए नहीं भाई हुए नहीं, लकड़ी निश्चिंत हो रही थोड़ा देर नहीं कहते, लड़की सदा निश्चिंत नहीं रहती, विधवा हो जाती है वो त्याग देता है, कड़े हो जाती है लड़ाई हो जाती है, भगवान ना तो त्याग करते ना भगवान सन्यासी हो गए तो ना मरते ना विधवा होते, कोई भगवान को हो जाए तब तो ठगाई भी नहीं आती, मैं आपका हूँ ठगाई भी नहीं आती, तुम ठगड़ा सा हो जाओ हे भगवान आपके हूँ, या थोड़ा बीमार हो जाए तो खलबली मच जाए, छोरी जब ब्याह नहीं हो तो रात का नींद उड़ जाए, यार मैं भगवान का हूँ, भगवान को बड़ी चिंता होती है, गथासुन अगथासुन से नाम सो संधि पंडिता, पंडित के हुए नहीं भाई, भगवान के हो जाने पर मन में अपने पर कोई भार रहेगा, कोई और की चिंता होगी, चिंता नहीं थी, जब तक भगवान के नहीं होते तब तक अनेक होना पड़ता है, अनेकों का होना पड़ेगा, अनेकों का एक ऐसा दे सब सदे सब साधे सब जाए, एक हो याद कर लो सब काम हो जाएगा, भीतर से जैसे लड़की अपना गोत्र भी बदल देती है ऐसे आप अपने माँ बाप भाई संबंधी कुटुंबी को छोड़ देते हो क्या भगवान के होकर, लड़की माँ बाप संबंध रखती है क्या, कोई संबंध नहीं हमारा किसी से भी, सब घर वाले मर जाते तो क्या होगा, मोह होता मोह तो इसको कुछ रहता है, भगवान के मोह है नहीं, अपने भगवान में भगवान के हो जाओ आपको पाप नहीं लगेगा दोष नहीं लगेगा कोई अपराध नहीं होगा, भगवान के हो भगवान कहते मेरे
आप भगवान मानते ही नहीं। भगवान के मान लिया चिंता होती है। पांडव भगवान के होकर रहे, बड़ा बड़ी बड़ी आफत आई महाभारत में, पर निश्चिंत रहे। बहुत बहुत आफत आई, जय द्रुपति का प्रण कर लिया अर्जुन ने, इसको मार दूं कल शाम। शाम भगवान ने कहे तुम्हारे वंश में प्रतिज्ञा बड़ी भारी तुम्हें रीत है। विष्णु जी प्रतिज्ञा करी, तभी प्रतिज्ञा कर ली, कोई प्रतिज्ञा सोचो तो सही, मैंने कैसे कर लिया, तो कर लिया मैंने किसी को आपके भरोसे। सूर्यास्त होने लग गया और सब सेना के बीच में उस किनारे बहुत दिन भर मेहनत करी, हाथियों की सेना आई, भीमसेन बता से मर हाथियों को साफ कर साफ करता, घुड़सवार रथ हर पैदल उसे करते हुए कहते आज दिन बच जाए तो कहा पहुंच जाएगा अपना, अर्जुन अग्नि प्रवेश कर जाएगा, फिर पांडव मर जाएंगे, फिर कोई बात नहीं। शाम की वक्त में सूर्यास्त हो गया, जय बताइए सिंह दिखा दे क्या हुआ दिखा। अर्जुन गए मार 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 गए, कितना शस्त हो गया तो मार मार, शरीर को देख ख्याल रखना। सावधान किया भगवान ने, सिर उड़ा करके आज वृद्ध क्षत्रिय के पिता है वो कर रहे संध्या, तो उस पिता के हाथ में जरा माथा है, नहीं तो क्या कि जयद्र माथा को उड़ा दे तो उसे माथे के टुकड़े हो जाए सौ टुकड़े, तो बाप के हाथ में वहां जा रहे अंजलि पड़ी, अंजलि हाथ माथा पड़े, माथा फेंक्या उसे सौ टुकड़े हो गया, बाप और माँ बेटा बिल्कुल शरीर पड़ गया। भगवान जी के पास महाराज कितना बाण कितनी विलक्षण का, यहाँ उड़ा कर माथा उड़ा दिया, उड़ा कर वहां देख दिया उसे बाप के हाथ में, भगवान साथ में। तो आप क्यों रहो, भगवान आपके साथ में। ग्यारह अक्षोड़ी सेना नहीं, सात अक्षोड़ी सेना, जिसमें एक छोड़ी बच गई, छह अक्षोड़ी में एक छोड़ी बच गई। रात में मैं मजा जो अश्वत्थामा और कृत वर्मा भगवान के सेनापति, इन्होंने मिलकर रात ही सोते सोते को मारा। भगवान के आज आज बाहर रहेंगे, आज नहीं रहेंगे यहाँ। नारायण नारायण, केवल भगवान को जाओ।